के एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मान रजिस्टर के आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ दुर्गाष्टमी की। और आप भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता जिनों को दूसरी सूची के अंदर विधायक प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से चुना गया है, उन सभी को अग्रिम जीत की बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उन सभी मेरे वसुंधरा राजे समर्थक मंच के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से, महारानी साहिबा के आशीर्वाद की तरफ से उन सभी से ये अपील करता हूँ कि जहाँ भी जिन प्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी का जिस विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है, वसुंधरा राजे समर्थक मंच जो भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ताओं का मंच है, हम सभी तन मन धन से उन सभी विधायक प्रतिनिधियों को जिनको घोषित किया गया है हर विधानसभा क्षेत्र से जिताकर लाने की तन मन धन से समर्पित कोशिश करेंगे। यह हमारा उद्देश्य, कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर ये भी देखा जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट बात बताता हूँ कि अभी जब कल दूसरी सूची जारी हुई उससे पहले हमारी यशस्वी पूर्ण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो भाजपा के निष्ठावान और जिताऊ कैंडिडेट थे उनके लिए दम थोक करके केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व को उन्होंने कहा कि इन लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता से आसानी से दूर कर सके। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की और फख्र की बात है कि हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा की और निष्ठावान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उन विधायकों को टिकट दिलवाया जो भाजपा के निष्ठावान चेहरे थे, जिताऊ चेहरे थे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। मैं उन्हीं सभी लोगों को जिनको भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रतिनिधि बनाया गया है तय दिन से शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वसुंधरा जी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राजस्थान की दूसरी सूची के अंदर बहुत ही निष्ठावान भारतीय कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाकर राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजे, जय जय राजस्थान।